आप देख रहे हैं दखल न्यूज। SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इससे जुड़े मामलों में तुरंत होगी गिरफ्तारी। बीजेपी ने कहा धारा 370 हटने के बाद घाटी में शांति, अब कुल 250 लोग हिरासत में। किसान मुश्किल में, कमलनाथ ने कहा सर्वे का काम पूरा होने के बाद देंगे किसानों को मुआवजा। झाबुआ में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज, भार्गव बोले मुझे डराने की कोशिश। और गोंडवाना एक्सप्रेस ग्वालियर के पास ट्राले से टकराई, टला बड़ा हादसा, 10 यात्री घायल। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है और अब इसके बाद इससे जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होगी। मार्च 2018 में कोर्ट के ही एक आदेश में इन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि शिकायत दर्ज होने पर पुलिस पहले मामले की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी हो। हालांकि इस आदेश का देश भर में विरोध हुआ था और सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि वो इस आदेश को वापस ले ले। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। अब SC ST एक्ट से जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होगी। 20 सितंबर को SC ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्र सरकार द्वारा 20 मार्च 2018 को सुनाए गए फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में कहा कि SC ST को सदियों से बहिष्कृत किया जाता रहा है और समाज में अब भी अस्पृश्यता खत्म नहीं हुई है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पिछड़े वर्गों को अब भी समानता और नागरिक अधिकार नहीं मिले हैं और ये लोग अब भी विकास का फल चखने से विलग हैं। इस दौरान कोर्ट ने उन कर्मचारियों का भी जिक्र किया जो सीवर सफाई करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अनुच्छेद 15 के तहत SC और ST के लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने हजारों की संख्या में घाटी के लोगों को हिरासत में ले लिया था। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जहां 2,500 लोग एहतियातन हिरासत में लिए गए थे, वहीं आज अब यहां आंकड़ा सिर्फ 250 लोगों का ही सिमट गया है। राम माधव ने कहा कि आज जम्मू और कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सिर्फ 200-250 लोग ही एहतियातन हिरासत में हैं। इनमें से कुछ लोगों को सम्मानित तरीके से 5-स्टार गेस्ट हाउस और 5-स्टार होटल में रखा गया है। राम माधव ने कहा, मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इन 200-250 लोगों को हिरासत में रखा गया है और पिछले 2 महीने से कश्मीर में शांति बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है और ये सिर्फ 200-250 लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साल 1994 में भी पाकिस्तान से सिर्फ एक बिंदु पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पाकिस्तान कब भारत को POK सौंपेगा इस पर भी बात होनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही मुद्दा है। हनी ट्रैप मामले में SIT ने मंगलवार को 5 आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। इसके पहले आरती दोनों श्वेता, बरखा और मोनिका को SIT मेडिकल के लिए MY अस्पताल लेकर पहुंची थी। मेडिकल जांच होने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। हनी ट्रैप के सभी आरोपियों को इंदौर की अदालत में पेश किया गया, जहां इनकी न्यायिक हिरासत को 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले इस मामले में गठित SIT दोनों श्वेता जैन और बरखा सोनी को इंदौर से 2 दिन पहले भोपाल और अन्य ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करने के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि भोपाल में इन्हें गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की गई। दोनों श्वेता का सोमवार शाम 5 बजे तक का इंदौर अदालत ने पुलिस रिमांड दिया था। इसके समाप्त होने पर SIT ने उनके साथ बरखा को भोपाल में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
भरत व्यास की अदालत में पेश कर इंदौर ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगा। आरोपी महिलाओं के वकीलों ने अदालत के सामने तर्क दिया कि एसआईटी ने जानबूझकर विलंब किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एमपी में अभी बारिश का दौर जारी है, फिर भी एक दो दिन में किसानों के नुकसान के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कमलनाथ ने मंत्रालय में आयोजित वंदे मातरम गायन में भाग लिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में आयोजित वंदे मातरम गायन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अभी भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, एक दो दिन में किसानों के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिलूंगा। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पर झाबुआ में एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि गोपाल भार्गव का बयान मैंने नहीं सुना, लेकिन ये गोपाल भार्गव का अपना मनोरंजन है। ये गोपाल भार्गव जी का अपना मनोरंजन है। सोमवार देर रात जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस ग्वालियर में रायरू के पास ट्राले से टकरा गई। यह हादसा ट्रोला चालक की गलती से हुआ और वो मौके पर ट्रोला छोड़कर भाग गया। इस हादसे ने तकरीबन 10 यात्री घायल हो गए, इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा ट्राले के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ और इसके बाद वो मौके से भाग गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। उन मुसाफिरों को ज्यादा चोट आई है जो हादसे के वक्त ट्रेन के गेट के पास बैठे हुए थे। सुबह खुद DRM घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और उन्हें 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। वहीं DRM ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दवाई कुछ भी नहीं मिली, एम्बुलेंस वाला भी तेज चला रहा था गाड़ी। अच्छा, मरहम पट्टी भी नहीं की? कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं, तुरंत यहाँ पे लाए, यहाँ पे ला के हमारे पट्टी वगैरह। जबलपुर से चली गोंडवाना एक्सप्रेस देर रात 1:30 बजे ग्वालियर स्टेशन पहुंची थी। यहां कुछ मुसाफिर दिल्ली के लिए ट्रेन में चढ़े। इसके बाद ट्रेन कुछ दूर ही चली थी कि रायरू स्टेशन के पास ट्रैक पर खड़े ट्राले से वो टकरा गई। जिस ट्राले से ट्रेन की टकरा हुई वो आंध्र प्रदेश का है। ट्राले का ड्राइवर रास्ता भटक कर रेलवे ट्रैक पर आ गया था और जैसे ही उसे ट्रेन के आने का पता चला तो वो ट्राला रिवर्स करने लगा, लेकिन ट्रैक पर कीचड़ होने के चलते ट्राले का पहिया उसमें फंस गया। इधर से ट्रेन तेजी से आ रही थी, ऐसे में ट्राले का ड्राइवर घबराकर भाग गया और उससे ट्रेन की टक्कर हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक पर फंसी गोंडवाना एक्सप्रेस को दूसरे इंजन की मदद से आगे लाया गया। इस घटना के बाद ट्रेन 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही और ग्वालियर दिल्ली रूट कई घंटों तक बाधित रहा। गोपाल भार्गव के खिलाफ झाबुआ में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गोपाल भार्गव ने कहा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झाबुआ में गोपाल भार्गव ने कांग्रेस को पाकिस्तान की टीम बताया था। वहीं इस पूरे मामले पर गोपाल भार्गव ने कहा कि यह स्वतंत्रता का हनन है, मैं ना किसी से विनय करूंगा और ना किसी के आगे झुकूंगा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने झाबुआ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांतिलाल जीत गए तो ऐसा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाली सरकार का प्रतिनिधि जीत गया। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चुनाव है। वर्तमान सरकार है, उसके खिलाफ बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। जो कांग्रेस पार्टी है उसके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार अपने ही राज्य में नहीं हो, इससे बड़ा बाघ स्वतंत्रता का हनन और कुछ नहीं हो सकता। मैं इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा और मैं किसी प्रकार से झुकने वाला नहीं। और जहां तक आप बात करते हैं कि उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, उन पर केस रजिस्टर्ड कर दिया, ये झाबुआ उपचुनाव का प्रशासन मशीनरी के दुरुपयोग की शुरुआत है। ये उस मशीनरी का दुरुपयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया है झाबुआ उपचुनाव में। कांग्रेस हताश और निराश है वहां पर। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में डेंगू के 25 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोंटा अस्पताल में अभी 11 मरीज भर्ती हैं, जबकि बाकी का अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। सुकमा के कोंटा ब्लॉक स्थित अस्पताल में डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। यहां पर करीब 11 मरीजों को लाया गया है, जिसमें एक आश्रम के बच्चे और पुलिस के जवान शामिल हैं। वहीं 5 दिन से लगातार आ रहे बुखार के 48 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 25 मरीजों में डेंगू पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रायपुर और जगदलपुर से मेडिकल कॉलेज से टीम सुकमा पहुँचाई गई है। अब यह टीमें सुकमा के डॉक्टरों के साथ कोंटा में भी कैंप करेंगी। इसके अलावा एहतियातन कोंटा के उड़ियापारा व थानापारा में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मच्छरदानी में सोने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। डेंगू के संभावित मरीज अभी तक 25 मरीज मिले जो एनएसएन पॉजिटिव पाए हैं। 100% पटवारियों को घूसखोर बताने वाले बयान पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि अगर मेरे माफी मांगने से भ्रष्टाचार और करप्शन कम हो जाता है तो मैं 100 बार माफी मांग लूंगा, इससे मैं छोटा नहीं होऊंगा। पटवारी ने कहा कि मैंने पूरे राजस्व विभाग और पटवारियों को नहीं कहा, मैंने इंदौर ब्लॉक के पटवारियों को कहा, जहां से मुझे शिकायत आई थी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पटवारियों को घूसखोर वाले बयान पर माफी मांगने को लेकर कहा कि अगर मेरे माफी मांगने से करप्शन कम होता है तो वो माफी मांग लेंगे। पटवारी ने कहा कि यह बयान मैंने प्रदेश के सभी पटवारियों के लिए नहीं कहा था। इंदौर ब्लॉक से उनके पास जमीन को लेकर 370 शिकायतें आई थी, जिसको डीएम को बताना उनका कर्तव्य है। जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनके प्रति मंत्री होने के नाते उनकी जवाबदारी है कि भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन अगर मेरे बयान से किसी को कष्ट हुआ है तो वो माफी मांग लेंगे। किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के विरोध में बात करना, किसी को पूरे कौम को इस तरह के खिलाफ मेरी बात नहीं थी। मैंने ट्वीट करके कहा है, मैंने पर्टिकुलर इंदौर ब्लॉक के पटवारियों के संबंध में जो शिकायत आती है उनको लेके कहा है, और वो शिकायतें सिद्ध हुई। जो शिकायतें मिली अभी, मैं ऐसा होगा तो मीडिया में सारी जितनी शिकायतें आई उसका दे दूंगा और फिर उनसे पूछ लूंगा कि ये क्या हुआ। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक सभा में भाषण के दौरान जीतू पटवारी ने कहा था कि 100% पटवारी घूसखोर होते हैं। उनका भी नाम पटवारी है, जिससे उनका नाम भी बदनाम हो रहा है, जिसके बाद पटवारी संघ ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात की थी और जीतू पटवारी से माफी मांगने को कहा था। अब मंत्री पटवारी एक तरफ तो माफी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पटवारियों की शिकायत मीडिया में लगाने की बात भी कर रहे हैं। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने बयान देते हुए कहा, हनी ट्रैप अब सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला रह गया, इसके तार दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो जांच के लिए टीम बनाई है वह सही दिशा में कार्य कर रही है, और जो हनी और मनी के खेल में शामिल हैं उनका खुलासा किया जाएगा। छतरपुर में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने हनी ट्रैप पर बयान देते हुए कहा कि हनी ट्रैप की जांच के लिए कमलनाथ सरकार ने जो टीम बनाई है वह सही दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन हनी ट्रैप सागर, छतरपुर या मध्य प्रदेश का अकेले का मामला नहीं रह गया है। अब यह बढ़कर अन्य राज्यों तक फैल गया है, इसके तार अन्य प्रदेशों से भी जुड़े हैं, इसीलिए इसकी जांच सही दिशा में की जा रही है। हर्ष ने कहा कि हनी और मनी का खुलासा सरकार जरूर करेगी। वहीं उन्होंने मंत्री जीतू पटवारी के पटवारियों के घूसखोर वाले बयान पर कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का हिस्सा हैं, सभी का सहयोग सरकार में रहता है, पटवारी के बयान को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, पटवारी हो चाहे आरईओ हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंग हैं, हमारे कहीं ना कहीं परिवार के हिस्से हैं। ऐसा हमारे जो छाती मंत्री हैं उनका कहने का तात्पर्य युवा नहीं था जो आप लोगों ने सुना है। हमारा हर वर्ग के कर्मचारी पर विश्वास है और हमारी वो सब हमारी सरकार के अंग हैं। 50,000 के लिए बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई की और अपहरण किए गए युवक को एक खेत से छुड़वाया और दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के बमीठा इलाके से 50,000 की फिरौती के लिए एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने 8 घंटे की मेहनत के बाद अपहृत युवक को सकुशल बचा लिया है। बीती रात पुलिस को सूचना लगी थी कि कुटिया गांव का रहने वाला कल्लू पटेल का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है। पुलिस तत्काल हरकत में आई। इसे पता चला कि कल्लू को आखिरी बार
सरमन पटेल के साथ देखा गया। पुलिस ने रात में ही सरमन पटेल के खेत की घेराबंदी की। कल्लू को एक कमरे में वहीं हाथ पैर बांध कर कैद रखा गया था। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कल्लू को छुड़ाया और मौके से दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के लोग तीन अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। अपने घर के पीछे खड़ा किया और रस्सी से हाथ बांध दिया और मेरे से बोला कि पैसा मंगा। हमने बोला 50,000। तो हमने बोला कि पैसा तो नहीं है। बोला हम मार के फेंक देंगे, धमकी देंगे। एक मार भी दिया मेरे को। फिर मैंने वो बोला नंबर लगा किसी का, पैसा जो ला सके यहाँ पे। हमको द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जगदूली के सरमन पटेल के साथ में अपहर्ता कल्लू पटेल देखा गया है। इस सूचना पर पूरी टीम के साथ में मैं फरियादी और गवाहों को साथ में लेकर सरमन पटेल के खेत पर जाकर दबिश दी, जहाँ पर सरमन पटेल पुलिस को देख कर भागा और उसको पुलिस ने दौड़ कर उसको पकड़ा और वहाँ से अपहर्ता और आरोपी दोनों को मध्य प्रदेश में अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल गैंगवार के चलते एक हफ्ते पहले एक युवक का अपहरण किया गया और उससे फिर जंगल में ले जाकर जमकर पीटा गया। पिटाई के दौरान पीड़ित युवक रहम की भीख मांगता रहा, पर किसी ने उसकी एक भी न सुनी। पुलिस ने मारपीट करने वाले 11 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर में एक युवक संजय मिश्रा की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हुए इस वीडियो में कुछ लड़के संजय मिश्रा के कपड़े उतारकर उसकी प्लास्टिक के डंडे से पिटाई करते दिख रहे हैं। पिटाई के दौरान पीड़ित संजय रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि वीडियो एक हफ्ते पहले बनाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी लगते ही युवक संजू मिश्रा को छुड़ा लिया गया था। मामले को अंजाम देने वाले 11 युवकों के खिलाफ नौगांव थाने में FIR दर्ज की गई थी और एक आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया गया। अन्य की तलाश की जा रही है। ये दिनांक 22 तारीख को नौगांव थाना क्षेत्र में एक संजय मिश्रा नामक युवक को किडनैप किया गया था। उसकी मारपीट की गई थी। उसी दिन उसको छुड़वाया गया था। उसके जो आरोपियों में से आरोपी भी एक पकड़ा गया था। सुसंगत धाराओं में जितने भी नाम लिखाए गए थे उनमें पकड़ पंजीबद्ध किया गया। कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में बताया गया कि नौगांव थाना क्षेत्र के गुलाब शाह बाबा के पास से 22 सितंबर को I-20 कार में दिन दहाड़े संजू मिश्रा नाम के युवक का कुछ युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसे घने जंगल में ले जाया गया था, जहां पहले उसके कपड़े उतारे गए और उसके बाद प्लास्टिक के पाइप से पिटाई की गई। एक बार फिर बॉलीवुड सिनेमा में तहलका मचाने के लिए जॉन अब्राहम ने अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते के सीक्वल का ऐलान किया। पहला पोस्टर रिलीज होने के बाद जॉन ने कहा कि मुझे फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होगी। जॉन अब्राहम की एक्शन ड्रामा फिल्म सत्यमेव जयते साल 2018 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट गई थी। जॉन ने फैंस के लिए इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की। फिल्म का पहला पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया। इसमें उनकी बेहतरीन बॉडी और सीने पर तिरंगा नजर आ रहा है। पोस्टर पर लिखा है, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। डायरेक्शन मिलाप जावेरी करेंगे और यह फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगी। दिव्या खोसला कुमार भी सत्यमेव जयते 2 में एक्टिंग में वापसी करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले मिलाप ने जॉन के साथ फिल्म सत्यमेव जयते बनाई थी। इस फिल्म ने पहले ही दिन 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहली फिल्म के सफल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सत्यमेव जयते के सीक्वल में और ज्यादा एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और पावर होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। Thank you.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।